नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। बॉलीवुड की इन एक्ट्रेस के पति जल्द ही गुजर गए। एक की शादी को तो साल भी पूरा नहीं हुआ था। कहते हैं कि शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन कभी कभी इन रिश्तों पर नियति की ऐसी मार पड़ती है कि उनका दुख उम्र भर सताता रहता है। बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके हाथों से उनके जीवन साथी का हाथ बहुत ही जल्द छूट गया। कम उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन साथी को खो दिया और आगे की पूरी जिंदगी अकेले ही बिता दी। ऐसी ही हस्तियों में से एक हैं रेखा। एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा बेमिसाल खूबसूरती की मलिका हैं। 65 ईयर की रेखा इतनी खूबसूरत दिखती है कि हर कोई उन्हें देखता रह जाता है। रेखा के मांग में सजा सिंदूर और माथे पर लगी बिंदी उनके चेहरे पर खूब जचती है, लेकिन अफसोस यह है कि रेखा सुहागन नहीं है। 1990 में मार्च के महीने में रेखा ने दिल्ली बेस्ट बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन ये शादी सिर्फ 7 महीने ही चली। 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर अपने फार्म हाउस में खुदकुशी कर ली। उस वक्त रेखा सिर्फ 35 साल की थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस शांति प्रिया ने भी अपने पति को 35 साल की उम्र में ही खो दिया। 1991 में आई फिल्म सौगंत में शांति प्रिया अक्षय कुमार की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखी थी। शांति प्रिया ने साल 1999 में अभिनेता सिद्धार्थ रे के साथ शादी की थी। सिद्धार्थ रे को आपने फिल्म बाजीगर में इंस्पेक्टर करण सक्सेना के रोल में देखा होगा। सिद्धार्थ रे जाने माने फिल्म मेकर वी शांताराम के पोते थे। शादी के बाद दोनों 2 बच्चियों के माता पिता बने, लेकिन साल 2004 में अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। सिद्धार्थ रे उस वक्त सिर्फ 40 साल के थे और शांति प्रिया की उम्र 35 साल। सिद्धार्थ को खोने के बाद शांति प्रिया अकेली अपनी 2 बच्चियों की परवरिश कर रही हैं। 80 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री लीना चंद्रवाकर को अपनी शादीशुदा जिंदगी में जीवन साथी को खोने का गम 2 बार झेलना पड़ा था। लीना की पहली शादी गोवा के पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली थी। सिद्धार्थ बंदूतकर से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही एक दुर्घटना में सिद्धार्थ की मृत्यु हो गई। उस वक्त लीना चंद्रवाकर सिर्फ 25 साल की थी। बाद में लीना ने किशोर कुमार से शादी की। किशोर कुमार लीना से उम्र में 20 साल बड़े थे, लेकिन 1987 में किशोर कुमार का भी निधन हो गया और 37 साल की उम्र में लीना ने दोबारा अपने जीवन साथी को खो दिया। लव स्टोरी और मोहब्बत समेत बॉलीवुड की 15 फिल्मों में काम कर चुकी विजेता पंडित ने मशहूर संगीतकार आदेश श्रीवास्तव से शादी की थी। विजेता ने 1990 में आदेश श्रीवास्तव से शादी की थी। इनके 2 बेटे थे। साल 2015 में कैंसर की वजह से आदेश श्रीवास्तव की मौत हो गई। विजेता पर 2 बेटे के परवरिश की जिम्मेदारी है। पति के निधन से वो आर्थिक रूप से इस कदर घिर गई कि उन्हें अपनी कार तक बेचनी पड़ी थी और इन सभी ने लाइफ में आगे बढ़कर जीना सीख ही लिया। तो ऐसी ही और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें हमारी वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।